हाँ जी नमस्कार, सलाम सत श्री अकाल, की हाल चाल, दिस इज इरवान पत्रा। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इरवान पत्रा पे। आज हम आया जी लाडो रोड पे खड़े हैं, नहीं रोड पे तो नहीं खड़े, रोड के साइड पे खड़े, रोड पे खड़ेंगे तो उड़ा देगी गाड़ी। यहाँ पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज गर्ल्स का, उसके बिल्कुल साथ में ये मशीन आई है जी नई, जो बनाती है गन्ने का जूस जलंधर में। तो अब आई है, वैसे महाराष्ट्र दिल्ली में तो बहुत टाइम से चल रही थी, पर जलंधर में मैंने फर्स्ट टाइम देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी आपके साथ ब्लॉग शेयर किया जाए, क्योंकि इसमें ना साफ सफाई काफी रहती है, हाइजीनिक काफी रहती है। गन्ने के जूस की मशीन है, आप देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा सेटअप है और क्लीननेस कहाँ पे काफी है। थोड़ी बातें बात करते हैं भाई से, गन्ने का जूस भी पीते हैं, स्वाद देखते हैं, स्वाद लगाता है, स्वाद वही आता है। चलो चलते हैं। राधे राधे भाई। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मैंकर राजपूत। राजपूत जी, ये जो मशीन का आइडिया आपको जलंधर में, तो मैंने पहली बार देखी है, ये पहली मशीन है, इससे पहले भी वही आ चुकी है? दो आई है मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ दो आई है। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो बंदे भी आपके जान पहचान गए? नहीं नहीं, वो अमृतसर गई है। अच्छा, वो अमृतसर। तो जलंधर में ये पहली मशीन है? हाँ जी, जलंधर में पहली मशीन। तो ये मशीन आप कहाँ से लेके आए हो, मतलब बाहर से लेके आए हो? कुरियर से आया सर जी। अच्छा, कहाँ? नहीं मतलब इंडिया से ही है ये? हाँ जी, इंडिया से। कहाँ से? इंडिया से। कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो इसमें आप सही सही बताना, मतलब देखो गन्ने का जूस तो हम नॉर्मल रेडी में भी पीते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। वो जो बनाते हैं उसमें, और इसमें क्या फर्क रहता है? इसमें तीन फिल्टर लगे हुए हैं। अच्छा, ये फिल्टर करके जूस आता है, मोटर अगर हम आप बंद कर देंगे तो इसमें जूस निकलना बंद हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें ये मतलब थोड़ा साफ सफाई ज्यादा रहती है, आप ये देख सकते हैं कि फिल्टर लगा हुआ है ना भाई, यही कह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए इस तरह के फिल्टर, पहला फिल्टर है, दो फिल्टर अंदर लगे। अच्छा, दो फिल्टर इसके अंदर है, और सारा मतलब प्रोसेस है, आपने जैसे गन्ना डालना है, गन्ना यहाँ से डालते हो? हाँ जी, हाँ जी। वो हम अभी आप जब बनाओगे तो साथ साथ में देखेंगे, पैकिंग वगैरह हो रही है। तो भाई साफ सफाई में देख रहा हूँ काफी रखी हुई है आपने, है ना? डिस्पोजल ग्लास यूज करते हो, दूसरे भी करते हो? डिस्पोजल। और आप देख सकते हो कि सेटअप जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है, और इतने छोटे सेटअप में इतने सही तरीके से भाई ने सारा बिल्डअप कर रखा है। अब ये पंजाबी में लिखा हुआ है गन्ने दा रस, और ये देख सकते हो इस तरह से। भाई अपने भी दो ग्लास लगा दो जी। तो ये देख सकते हो ये इस तरह से नलका टूटी टाइप बना हुआ, और यहाँ से भाई ने अभी डाल दिया गन्ना, और ये निकल रहा है रस। भाई ये रस जो निकल रहा है फिल्टर होकर निकल रहा है साथ ही साथ में? पूरा साफ, कोई कचड़ा नहीं, एक ही बार ही गन्ना लगता है। ठीक है ठीक है। बार बार वो गन्ना वाला। और क्या डाला आपने इसमें भी? पुदीना नींबू। ओके ओके, ये देखिए टूटी की टाइप लगा हुआ ना। तो भाई कितने गन्ने का रस इसमें स्टोर हो जाता है पहले से? पहले से इसमें चार गिलास स्टॉक हो जाता है, जैसे हमारे पास कोई ज्यादा ग्राहक आ गए। हाँ हाँ हाँ, हमारा मतलब आप दे सकते हो, ये नहीं कि आपको एकदम निकालना पड़ेगा, चार गिलास स्टोर रहते हैं इसमें? नहीं नहीं, स्टॉक नहीं रखते हैं। हाँ, जैसे ग्राहक आ गए हमने लगाते गया। हाँ, अच्छा, मतलब चार ग्लास निकल जाते हैं समय में, ये कह रहे हो आप? हाँ जी। तो भाई समय बता दीजिए अपना, समय क्या रहता है यहाँ पे आने का? हमारा समय रहता है 9 से लेके 6 बजे तक, सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक। कोई छुट्टी वगैरह? कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी वगैरह? ठीक है। अपना एड्रेस समझा दो अगर किसी ने आना हो। हमारा एड्रेस है पॉलिटेक्निक लाडौली रोड जलंधर। ठीक है, ये कॉलेज आप पीछे देख सकते हो, और बिल्कुल सामने ये भाई का आपको मिल जाएगा। दो बार ये जी रिव्यू किया, अब रिव्यू तो क्या ही देना, गन्ने का रस ही है, फिर भी देखते हैं। चलो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में मज़ा आता है गन्ने का रस पीने का, और रिव्यू तो ऐसे लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं पियोगे। रिफ्रेशिंग है, रिफ्रेशिंग तो है ही है, पर थोड़ा सा टेस्ट है फ़र्क, जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क है, डिफरेंस है। जो हमारा दूसरा जूस रहता है ना नॉर्मल जो मशीन से, उसमें जो होता है जग इतनी नहीं होती, आप जग होती है उसमें बहुत ज़्यादा, पर इसमें आप देखो जग बहुत ज़्यादा कम है, ये देखो आप जग इसमें इतनी है ही नहीं, वरना वो जग आपके यहाँ पे लग जाती है, स्टाइल बन जाता है। बाकी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और इसकी कोस्ट सिर्फ है 20 रुपीज़ में, इतना बड़ा ग्लास आई थिंक इनफ है, और फ्रेश भी है। चाहे आप नॉर्मल रेडी से पी लो, चाहे मशीन से पी लो, पीना तो गन्ने का जूस ही है, दोनों का अपना अपना टेस्ट है, दोनों का अपना अपना मज़ा है। ये कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, पहले कभी नहीं पिया इतना ज़्यादा, इस मशीन से फर्स्ट टाइम पी रहे हैं हम, तो वीडियो वगैरह में देखा था, बाकी टेस्ट अच्छा। अगर आपको ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो देखकर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल इरवान पत्रा। मिलते हैं अभी किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ।